निहाल क्या हो गया तुम्हें? अजीब बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे, गाड़ी भी अजीब पागलों की तरह चला रहे थे। पागल ही तो हो गया था जो तुमसे शादी कर ली मैंने। कोई ऐसा मौका है जहाँ तुम लड़ाई और फसाद ना डालो? अगर मेरी लड़ाई झगड़े से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है तो मुझे मौका ही क्यों देते हो? मैं इंसान हूँ ना, मेरी भी पसंद नापसंद हो सकती है, मैं अपने फैसले खुद नहीं कर सकती क्या? अच्छा, शादी के बाद तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है। अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे फैसले में मेरा साथ दो ना, बहुत मोहब्बत प्यार करने वाले हस्बैंड हो ना, तो फिर दो मेरा साथ मेरे फैसले में। प्लीज खुदा का खौफ खाओ, इतनी बड़ी नेमत और तुम नाशुक्री हो रही हो। इंसान बन के सोचो, माँ बन के सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे ना अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना, और मैं नहीं हूँ तैयार इस सब के लिए अभी। दैट्स इट। मंशा, मैं बाप बनना चाहता हूँ, और मेरे माँ बाप दादा दादी। निहाल, अरे आ गए तुम दोनों। क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो मैं दादी बनने वाली हूँ? अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैरियत से ये दिन लेकर आए। जरूर जरूर इंशाल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो रिफत। इसे क्या हुआ? शायद थक गई होगी। अच्छा सुनो निहाल, अब मेरी बहू का ना तुमने बहुत ख्याल रखना है, और इससे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुन लिया तुमने? निहाल बेटा, अगर लड़ाई झगड़ा हो ना तो प्यार से समझाना। इस कंडीशन में माँ अगर गुस्सा करे तो बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। अरे आप लोग तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गए हैं दोनों। तो और क्या, अभी तो करीम को जब पता चलेगा वो तो दीवाने ही हो जाएंगे। करीम भाई तो वैसे भी बच्चों के दीवाने हैं। मिद्दत, तुम्हें याद है अम्मा क्या कहा करती थी? कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। भाई आप लोगों ने तो अभी से नानी और दादी वाली बातें शुरू कर दी है। अरे तुम लोग हमें नानी दादी बना रहे हो, तो क्या अब हम नानी और दादी वाली बात भी ना करें? और क्या भाई, मैं तो रमशा का बेबी शावर इतने धूमधाम से करूंगी ना कि तुम देखते रह जाओगे। पूरे खानदान वालों को इनवाइट करूंगी। आप लोग ऐसा करें, अपना यूनिट प्लान करें, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह ऑफिस जाना है, सो मैं जाके रेस्ट करता हूँ।